नरकातारी रोड पर स्थित साधु फार्म में लोगों को असुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। नरकातारी रोड चौड़ा कम होने की वजह से सड़क के दोनों ओर पानी खड़ा हो जाता है, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नरकातारी रोड, जो कि 18 फुट चौड़ा बनाया जाना था, उसे सिर्फ 12 फुट चौड़ा ही बनाया गया है, जिससे दोनों साइडों में कच्चा होने की वजह से बरसात के कई दिन बाद भी पानी खड़ा रहता है, जिससे यहां कीचड़ हो जाता है। इस कीचड़ में फिसल कर कई बाइक सवार गिर कर चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय निवासी महावीर शर्मा ने कहा कि यह सड़क 18 फुट चौड़ी बनाई जानी थी, लेकिन यह सिर्फ 12 फुट चौड़ी ही बनाई गई है। उस वक्त इस बारे में जब लोगों ने विरोध किया तो विधायक ने दोनों तरफ ब्लॉक लगाने की बात कही थी, जो कि आज तक भी नहीं लगाए गए। महावीर ने मांग करते हुए कहा कि इस सड़क पर दोनों ओर ब्लॉक लगाए जाएं, जिससे रोजाना हो रही दुर्घटनाएं रुक सकें, घरों में प्रवेश करना भी हो रहा मुश्किल। हमारे घर के आगे जो है ना, रास्ता निकलने के भी नहीं है, आने जाना दूर दूर से उठा करके रोड़ा पत्थर डालना पड़ रहा है, मजबूरी है। घरों के अंदर हमारे पानी भी चला जाता है बरसात के मौसम में, जिससे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, अभी सड़क बनाई है उसके साथ साथ में जितना कारा मिट्टी और इकट्ठा है, तो इसको ध्यान दे कि इसकी तरफ जो है ना कि या तो पक्का करें, ब्लॉक लगवाए, ताकि हमें जो निकासी पानी की निकासी भी करें, आगे जा करके देखें कि ताकि दुकानदार ने काफ़ी जमीन ऊंची की हुई है, जिसका हमें काफ़ी समय से भुगतना पड़ता है, और हमारे घर के अंदर पानी चला जाता है जो हमें बाल्टी डब्बे से निकालना पड़ता है। हर बार का मौसम के अंदर हमारे साथ यही होता है, जब भी निकलते हैं तो हमें जो है ना जुआरों के साथ पकड़ पकड़ कर उनको बाहर निकलना पड़ता है। पूरन चंद ने बताया कि जिस वक्त यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं तो कीचड़ के छींटे घरों के अंदर तक जाते हैं, वहीं दरवाजे के सामने रोजाना कीचड़ बना रहता है, जिस कारण घरों में प्रवेश करना भी दुर्लभ हो रहा है। पूर्णचंद ने बताया कि उसकी पत्नी चोटिल है, लेकिन घर के बाहर कीचड़ बनने के कारण उसे अस्पताल में ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। समस्या यही है जी कि ये 18 फुट की सड़क थी जी, या 12 फुट बनी, और फिर उसके बाद इसमें ब्लॉक लगने की जो है बातचीत हुई थी, वो ब्लॉक नहीं लगे। अरे भैया हालात देखो क्या हो रहा है। किससे बातचीत हुई थी ब्लॉक की? ब्लॉक की बात तो सुधा जी आए थे यहाँ, सुधा जी कह के गए थे भी मैं 6-6 फुट ब्लॉक लगवाऊंगा दोनों साइड, और वो लगे नहीं जी। तो अब मैं समस्या है, पानी भी नहीं निकल रहा है, घर में से निकलना बढ़ना ही मुश्किल हो रहा है, ये समस्या सभी को दिखाई देती है, सारा शहर ही जानता है इस चीज़ को। पहले भी कर चुके हैं शिकायत। अमन कौशिक ने कहा कि इस बारे में वे पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार मिट्टी ही गिराई गई, जिस कारण बरसात के बाद कीचड़ बन जाता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सड़क के दोनों ओर पक्का किया जाए, जिससे आम जन को राहत मिल सके। दिक्कत ये है, जब भी बारिश होती है यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा। और पानी खड़ा होते ही मतलब ये ऐसा है, हफ्ते पहले का पानी है, ना कोई आम निकासी है, पानी ऐसे का ऐसे खड़ा है, मच्छर होते हैं इसमें, मलेरिया होगा, डेंगू होता है, पानी आ जाता है, आगे करके बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बाहर जाने का रास्ता नहीं। तो प्रशासन प्रशासन में शिकायत वगैरह दी? दी है, दो शिकायतें पहले डाली थी। कहाँ? हर पथ पर। अच्छा। वहाँ से आए मिट्टी डाल के खाना पूर्ति करके, अभी आपके सामने है, मिट्टी तो थी। वैन जाती हैं, स्कूल की ट्रक जाते हैं, बसें जाती हैं, ये आपके सामने ही है जो कुछ है। तो मांग क्या है मेरा, पक्का होना चाहिए क्या? इसको पक्का कर दीजिए। वैसे तो पक्का होने की जो यहाँ के MC है लक्ष्मीकांत शर्मा, वो बोल भी रहे थे कि पक्का करेंगे, लेकिन वही है बस, वोट की राजनीति है। कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।